मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नाज़रो साइकिलाइजेशन। तो नाज़रो साइकिलाइजेशन क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर ये हम रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसे मेकैनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रो साइकिलाइजेशन का हम डेफिनेशन देखते हैं, ये सब कुछ इसी डेफिनेशन से ही होगा। तो नाज़रो साइकिलाइजेशन इज गिवन बाई 1,4 पेंटा डाई इन थ्री ओन एंड इट्स डेरिवेटिव द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज साइक्लोपेंटेनॉन। वो क्या कह रहा है वो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 1,4 पेंटा डाई इन थ्री ओन ये साइकिलाइजेशन जो होगा नाज़रो साइकिलाइजेशन, ये होगा 1,4 पेंटा डाई इन। यहाँ से अगर हम इस रिएक्शन में सबसे पहले देखें, ये अगर हम 1,2 अगर हम नंबरिंग करें कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और पेंटा 5 के लिए पेंटा और डाई इन हो जाएगा और ये थ्री ओन। तो ये बात हो रही है इसकी 1,4 पेंटा डाई इन थ्री ओन, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोपेंटेनॉन, ये आप देख सकते हैं साइक्लोपेंटेनॉन। और इसके बीच में एक डेरिवेटिव रहेगा, जैसे कि इसमें आप जनरल में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया और इधर आप इसको जनरल में यहाँ पर आर दिखा, तो यही हो जाता है हमारा 1,2,3,4 1,3 पेंटा डाई इन 5 के लिए 5 कार्बन के लिए पेंटा और ये हो जाएगा 3 ओन। तो अभी हमें हो गया, तो अब यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ से देखें, अगर हम द रिएक्शन कन्वर्टेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर अंडर थर्मल कंडीशन और थर्मल कंडीशन एंड डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो नाज़रो साइकिलाइजेशन है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन रिंग क्लोजर रिएक्शन है। तो थर्मल कंडीशन में जो होगा हमारा रोटेशन जो होगा वो कन्वर्टेटरी होगा और फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारा जो रोटेशन होगा वो डिसरोटेटरी होगा। जैसे कि अगर हम इस रिएक्शन को अगर थर्मल कंडीशन में कराते हैं, तो ये जो दोनों एच अंदर की साइड है वो एक बाहरी साइड जाएगा और एक बाहरी साइड आएगा, एक पीछे एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड जाएगा, एक ऊपर आएगा एक नीचे जाएगा। लेकिन अगर हम थर्मल कंडीशन में और ये कुछ जैसे कि हम कैटलिस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वही होगा, ये 3PO4 HCl3 ZnCl2 H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसको कराएं। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल कंडीशन में और ये 3PO4 HCOH में कराएंगे, तो ये जो दोनों एच था एक ऊपर एक नीचे आ रहा था, वो दोनों ऊपर की साइड आएंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रोडक्टरी होगा और ये डिसरोटेटरी होगा। तो ये हो गया हमारा कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी हमारी। अब हम देख लेते हैं ये पहला है और ये दूसरा। सबसे पहले पहले का कंडीशन देखेंगे अंडर थर्मल कंडीशन में, फिर दूसरे का देखेंगे अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो सबसे पहले हम पहले का देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं पहला का। तो पहली हमारी हेडिंग होगी रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन। तो रिएक्शन हम कराने वाले हैं थर्मल कंडीशन में। सबसे पहले हमारी रिएक्शन क्या थी वो लिख देते हैं। अब दोनों एच जो था वो अंदर की साइड है ना, यहाँ से एक एच यहाँ पर, दोनों एच यहाँ पर, इसी की स्टीरियो केमिस्ट्री हमें दिखानी है। तो हमारे जो मैंने इससे पहले भी यहाँ पर रिएक्शन दिखाई थी उसमें क्या था, H3PO4, जब H3PO4 था तो उसमें से एक H प्लस यहाँ पर आएगा निकल कर, इससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास होता है दो लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा, इस H को अपना लोन पेयर देकर इसे बांड बनाएगा, तब क्या होगा यहाँ पर, ये बांड तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी ऐसे रहेगा, ये वाला भी डबल बांड ऐसे रहेगा, और फिर ये एच जाकर इसे बांड बना लेगा ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले से ही होता है, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से 5-1 को यहाँ से ये ब्रेक करके ऐसे ये ले लेगा ऑक्सीजन, तो ये बांड ये वाला बांड ये ले लेगा ऑक्सीजन, तो उसका प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये बांड मूव होकर उधर गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या कराना है कि इस बांड को, जैसे कि अभी तक हम कराते हुए हैं बांड को रोटेशन कराते हैं ना, अब देखो ये रिंग ओपन थी, अभी इसको जब बांड को इधर मूव कराएंगे तो रिंग क्लोज होगी, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर रिएक्शन इज कॉन्ट्रोडक्टरी ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कि कहना है कि क्या है।
तो अगर हम इसे करा रहे हैं, अब जब हमारा बॉब बॉन्ड मूव होता है तो हम देखते हैं कि थर्मल है या फोटोकेमिकल, ये हम पहले से देखते आ रहे हैं। तो अभी हम थर्मल कंडीशन में कराना है, तो लिखिए थर्मल, थर्मल के लिए लिखते हैं हम पी। तो बॉन्ड कितना मूव हो रहा है, बॉन्ड इसमें कितना इन्वॉल्व हो रहा है, वो है ई, इवन नंबर ऑफ। तब ई ई थर्मल इवन होता है हमारा कॉन्ट्रोबेट्री, हमारी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये एकदम बैठ गया जाकर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर मूव होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा, और ये इधर मूव होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये बॉन्ड ऐसे ही फिक्स रहे और ये इधर चला जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला जब मूव होकर इधर जाएगा ये पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये वाला जब इधर मूव होकर इधर आएगा तो इधर बैलेंस, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ये बॉन्ड इधर मूव करेगा ये बैलेंस हो जाएगा, और ये इधर मूव करेगा इधर बैलेंस हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये बॉन्ड घूमकर इधर आएगा तो ये यहाँ से एक बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ये रहा वो बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इधर घूमा यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये OH ऐसे ही रहेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर ना। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, अब इस बगल वाले कार्बन में देखें, यहाँ पर दो बॉन्ड बना हुआ है, एक दो, और दो बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अगर हम अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभी पॉजिटिव को बैलेंस करना है तो इसे बॉन्ड को इधर मूव कराने के यहाँ से प्लस निकल जाएगा, माइनस प्लस यहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पर है, और यहाँ से ये ओ है या और ये एच है, ठीक है ना। अब दूसरे वाले इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हमारा एक इसका काम था वो हो गया, ये हो गया हमारा। अब प्रोडक्ट हमें जो था वो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ओ था। अगर आपने रिएक्शन वन देखें पहले, इससे पहले मैंने बताया अभी जस्ट पहले, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ था और हमें वही प्रोडक्ट चाहिए था। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया इनॉल फॉर्म का। अगर आपने पढ़ा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, तो ये रिएक्शन आगे जाकर ये बॉन्ड इस तरह से ऐसे मूव हो जाएगा, और ये वाला एच जो है वो यहाँ पर आके लग जाएगा, यहाँ पे जब इस पर प्लस आएगा तो ये हो जाएगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कीटो इनॉल। ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इस पर ये एच निकल कर ये इधर आकर इधर बैलेंस कर देगा। हो गया हमारा, तो ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, ये वाला है कीटो वाला, और यही हमारा प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन का। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मैं हेडिंग चेंज करता हूँ उसके बाद। इसमें तो एक चीज़ रहेगी, ये भी जैसे कि ये एच अंदर से आ रहा था, यहाँ से ये एच अंदर, यहाँ पर भी एच अंदर, और जब ये थर्मल इवेंट हो गया, अब इसको रोटेशन कराना है, कौन रोटेटरी होगा, जब हमारा रोटेशन दोनों अंदर की साइड है, जब दोनों दोनों हमारा जो हाइड्रोजन अंदर की साइड है, हमें कौन रोटेट कराना है, एक ऊपर एक नीचे जाएगा। तो हमें यहाँ पर दिखा देना है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये एक एच ऊपर और दूसरा वाला नीचे, तो इसी तरह से हमें इधर इधर भी दिखा देना है, हमने यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर भी हो जाएगा वही। तो अब हाँ, रिएक्शन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन अगर हम करें, ये पहली हो गई है, पहली रिएक्शन हो गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो करना पड़ सकते हैं। अब हम फोटोकेमिकल को देखेंगे, रिएक्शन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या था, यही था जो हमारा सबसे पहला रिएक्टेंट था वो ये था, वो एच प्लस से ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ऐसे ही ये लोन पेयर इसे करके ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर ऐसे ही ब्रेक होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर वैसे ही आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आता है वो देखिए। अब रिएक्शन है फोटोकेमिकल कंडीशन ना, तो यहाँ से इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे फोटोकेमिकल कंडीशन, यहाँ पर हो जाएगा पी पी ई।
जंगल इवन इसके साथ होता है डिसरोटेटरी। ये हो गया। अब जब हमारा बॉन्ड ऐसे मूव होगा, ये इधर मूव होगा, इधर ये फॉर्म होगा बॉन्ड, ऐसे मैकेनिज्म सारी वही है, बस यहाँ पर यही से डिफरेंस होगा फोटो केमिकल इवन डिसरोटेटरी। तो यहाँ से जब डिसरोटेटरी दोनों एच अंदर है, तो दोनों एच हमारा अंदर है, जब आप इसको डिसरोटेटरी कराएंगे तो दोनों एच ऊपर साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों एच ऊपर साइड हो जाएंगे, ये दोनों एच ऊपर साइड हो जाएंगे, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, ये वाला भी ऊपर हो जाएगा। बस हमारा अब दोनों मैकेनिज्म हो गया, मतलब हमारी नाइट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन उसका मैकेनिज्म जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस पर, बस हमारा नाइट्रोसाइक्लेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोसाइक्लिकेशन भी खत्म हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, एसएससीएल थ्योरी के प्रश्न, एसएससीएल थ्योरी हमारा ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह, जैसे हमारा एच प्लस था, और ये एस आई एम ए थ्री वो लिविंग ग्रुप का यहाँ पर काम करेगा, यहाँ से ये इसको निकलना है। तो ऑक्सीजन के पास हमारा दो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस पर बॉन्ड बनाएगा, किस तरह से वो यहाँ पर देखें। हो गया। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे अभी तक रहेगा, ये डबल बॉन्ड हो, अभी तक तो इतना आपने सीख लिया। ये जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो इस पर आएगा प्लस, जब इस पर प्लस आएगा तो ये बॉन्ड इस तरह से मुक्त पड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये ओ जो कि हमारा। अब इसको हमें कराना है थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में कराना है, तो थर्मल एक दो इवन हो जाएगा, तो हमारा रोटेशन कौन सा होगा, कॉन्ट्रोडक्टरी, यहाँ पर एच डालो एच अंदर साइड। तो बॉन्ड का यहाँ पर मूवमेंट कैसे कराना है, जैसे कि लीविंग ग्रुप हमें ये निकालना है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर जनरेट होगा तो ये ऐसे मूव होकर यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा तो ये लीविंग ग्रुप निकलने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो बॉन्ड मूवमेंट कराने के लिए थोड़ा सा उसको देख लेना है कि लिविंग ग्रुप कहाँ पर है, लिविंग ग्रुप यहाँ पर है तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर आएगा तो जैसे उसमें हम एच मूव कराए थे इधर, इधर हम एस आई एम ए थ्री को बॉन्ड मूव करा कर इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, तो हमें इसको इस तरह से मूव कर देना इधर इस साइड, इसको इस साइड, और जब ये बॉन्ड इस साइड मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया हमारा, ये वाला हमारा बॉन्ड बॉन्ड बन गया न्यू बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और ये है ओ एफिशिएंट थ्री, और ये रहा हमारा एस आई एम ई थ्री। अब पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर, ये आ गया हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस बॉन्ड को इधर मूव करा देंगे, तो यहाँ से एस आई एम ई थ्री निकल जाएगा माइनस एस आई एम ई थ्री, इसी को निकलना है यहाँ से, ये हो गया हमारा। अब डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है ना, ये हो गया हमारा ये डबल बॉन्ड, ये हो गया ये डबल बॉन्ड, और इससे लगा हुआ ये ओ एफ सी एल थ्री, ओ एफ सी एल थ्री, ये पॉजिटिव वैलेंस हो जाएगा, ये इधर घूमेगा और ये मान लो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ओ एच था तो उसमें क्या था कि कीटो एनॉल फॉर्म था ना, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ ना, तो इस बॉन्ड को अगर हम इस साइड मूव करें तो यहाँ से एस एस सी एल थ्री यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ये जुड़ा था वैसे ही यहाँ से ये निकल जाएगा हमारा, ये बॉन्ड इधर मूव होगा ये निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा ये डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अभी इस पॉजिटिव के बारे में आप यहाँ पर दोनों एच, अभी पर यहाँ पर दो एच है ना, दो बॉन्ड कार्बन से बना हुआ है यहाँ पर, और दो एच हमारे पास यहाँ पर है। अब इस एच वाले बॉन्ड को इधर मूव करा देंगे आप, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये बॉन्ड इधर मूव किया,
यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ये डबल बॉन्ड ओ। ये एक है ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा कॉन्ट्रोडक्टरी में आप करेंगे ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब कर लेना। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।